हमारे देश में लगभग 660 से अधिक कोयले खदान है, और कुछ तो बहुत बड़े बड़े खदान है, 1,500 हेक्टेयर इतने लंबे बड़े माइंस हैं। आज के दिन में क्या हो गया है कि जितने भी काम कोल माइनिंग क्षेत्र में हो रहे हैं, वो सब जो है आउटसोर्सिंग के जरिए, जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के जरिए ऐसे हो रहे हैं। कहने के लिए तो पब्लिक सेक्टर के हैं, मगर आप देखेंगे कि कौन एक्चुअली उसमें कमा रहा है, कौन कोयला निकाल रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आप देखेंगे कि वही पूंजीपति हैं, अडानी है या सैनिक है या आर्यन है, यही लोग जो है उस पूरे कारोबार को चलाते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि वो कोल इंडिया के सब्सिडरी हैं। अभी हाल ही में जो है एक बड़ा कोल माइन जो है, जो बचा कुचा जंगल क्षेत्र है झारसुगुड़ा में, उसके आसपास तो बहुत सारे खदान हैं और इंडस्ट्रीज हैं, और वो एक्सट्रीमली पोल्यूटेड एरियाज में आता है। तो उस क्षेत्र में हम देखें तो वो उनका क्लियरेंस मिलने से पहले नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन को जो कोयला खदान मिला, उसको उन्होंने अडानी को जो दे दिया कि वो माइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो हम देखते हैं कि वहां के पानी, वहां का जो हवा, जो हम दिल्ली में प्रदूषण कहते हैं, उसका दुगना जो है कोरबा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, अंगुल, धनबाद इसमें है, मगर उस वो हम हमारे चर्चा में नहीं आ रही हैं आज के दिन में। तो आज के दिन में सबसे जो है तकलीफ में जीने वाले और जो और लोगों के लिए कमा के दे रहे हैं, वो कोयला क्षेत्र के लोग हैं और वहां के मजदूर हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि 2010 से हम जो है एक नेशनल क्लीन एनवायरनमेंट सेस करके कोयला खदान से हर एक टन से हमने पैसा निकाल के एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए रखा, मगर अभी सरकार उसको जीएसटी के साथ विलय करना चाह रही है, करीब 80,000 करोड़ रुपए, जिससे जो है हम जिनके पास बिजली नहीं है उनको जाके हम पहुंचा सकते थे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से, वो आज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सरकार उस जिस चीज के लिए वो पैसा लिया और उसका नुकसान जो है लोगों को हुआ, कोयला क्षेत्र के लोगों को, उनके लिए भी ऐसा सुविधा नहीं बनाया उस पैसे से। तो जो पैसा हम देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लिया गया है, उसको अगर हम उपयोग नहीं करेंगे, और जो सरकार और ऐसे फिर उसी को और गलत प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, गलत इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, तो भविष्य में जो है जहां रोजगार होना चाहिए, जहां लोगों के लिए सुविधा होना चाहिए, उसके लिए आज सरकार के पास कहती है पैसा नहीं है। हल्लारे बोल, हल्लारे 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 बोल, हल्लारे 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 बोल।